एनर्जी दी है बेंजीन की। सो यू नो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन आई कैन राइट एज हीट ऑफ कंबशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर, सॉरी हीट ऑफ कंबशन ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रक्चर माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर। हमें तो एक्चुअल बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन निकालनी है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ एक्चुअल बेंजीन बिकम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस एनर्जी। करेक्ट। अब यहां हमें रेजोनेंस एनर्जी तो प्रॉब्लम में दी गई है, करेक्ट -152, लेकिन हमें थियोरेटिकल स्ट्रक्चर नहीं मालूम है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ थियोरेटिकल अब कैसे निकाले, हु इज टेलिंग मी। हाँ बोलो रचित। सर हम लोग को उसका साइक्लोहेक्सीन का दिया हुआ है -119 किलो जूल पर मोल का डाटा लाना पड़ेगा। ओके हाँ, तो फिर मतलब वो मतलब अप्रोच पहले थियोरेटिकल बेंजीन का रिएक्शन लिखते हैं। तो थियोरेटिकल ये करेक्ट, यस सर, कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका कंबशन रिएक्शन हो गया ये, और हमें इसका डेल्टा एच लिख, तो ये कंबशन ऑफ थियोरेटिकल बेंजीन विल बी 6 टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरेटिकल बेंजीन। अब इसमें हमें CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, करेक्ट, यस सर, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, सही है। और अब हम मेरा काम बचा है किसी तरह थियोरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरेटिकल बेंजीन निकालूं, ठीक है। चलो पहले सब लोग इतना नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नोट करो, हो गया इतना नोट। बोलो अर्चल। सर हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है ना C6H12 का, H12 का चाहिए दिया है ना हमें, C6H6 का चाहिए। ओके सर, ओके सर। अब हम एक अगली इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। हमें एक इंफॉर्मेशन दी है हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन क्या है, C6H10, ये स्ट्रक्चर,
इसका हाइड्रोजिनेशन हमें दिया हुआ है डेल्टा एच इज गिवेन -119। तो फ्रॉम हेयर आई राइट, ये इस प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, यही प्रॉब्लम है 10 मार्क्स का। ये सोचना, ये जिसको स्ट्राइक हो गया उसने प्रॉब्लम कर लिया कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज -357। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच -357 है, विच आई कैन राइट एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरेटिकल बेंजीन। ये हमें दिया है -156, तो इससे हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरेटिकल बेंजीन मिल गया 201। वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 201, तो -6 × 393.5 − 3 × 285.8 − 201, ये कैलकुलेट होगा। वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एक्चुअल बेंजीन मिल जाएगा। नोट करो पहले इतना। बोलो अर्शद। तो मुझे इस ये वाले पेज पे डाउट है। So, आपने क्या कि आपको -357 कहां से आया? भाई यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट किया। यस सर। ओके सर, आपने वो 3 times कर दिया फिर। डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट किया तो उसका 3 times। ओके सर, ओके सर। सो उसके बाद आपने क्या किया, ऐड कर दिया कि इन दोनों को फ्लिप करके? रिएक्शन का डेल्टा एच मिल गया मुझे। हाँ सर। और किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को आई कैन राइट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके ओके सर। तो आपने ओके सर। समझ में आया? यस सर, हो गया हो गया। अर्शाल चलो नोट करो। बोलो ईशान। सर यहाँ पे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनाइजेशन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे कर दिया? बिकॉज़ जब एक डबल बॉन्ड हाइड्रोजनाइज होगा तो कंपाउंड ही बदल जाएगा फिर, तो उसके बाद जो दूसरे डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनाइज करने के लिए एनर्जी लगेगा वो तो डिफरेंट होगा ना। सुनो, ये स्ट्रक्चर था, ये रिएक्शन था। हाँ यस सर। इसमें मैं कह देता हूं कार्बन हाइड्रोजन की एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन सब कंपाउंड्स में ए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की सी, एच एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है डी। ठीक है? यस सर।
अब जरा इसका डेल्टा एच लिखने की कोशिश करो ए बी सी डी की टर्म्स में, मुझे बताओ 2 मिनट। सी प्लस डी माइनस ए, नहीं नहीं रुको मैं बताता हूँ। देखो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है? हाँ यस सर। रिएक्टेंट में 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, 5B। हाँ यस सर। बॉन्ड है हाँ, और 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है हाँ, और एक H2 में एक HH बॉन्ड। हाँ यस सर। माइनस प्रोडक्ट साइड 6B माइनस 12A। यस सर। तो ये इक्वेशन आ गई -119A -2A -B प्लस सी प्लस डी। यस। अब अगर मैं ये रिएक्शन देखूं, इसको भी जरा इसका डेल्टा एच एबीसीडी की टर्म्स में बताओ। अच्छा, तो अगर इसमें जब लिखेंगे तो एंड में वो सेम ही आएगा। देखो ना लिखते हैं 3B प्लस 3C प्लस 6A प्लस 3D माइनस 6A नहीं 6B माइनस 12A। कितना आ गया डेल्टा एच इसका? -6A -3B प्लस 3C प्लस 3D। हाँ, तो मतलब पहले वाले का थ्राइस हो गया। हाँ ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। नोट करो जल्दी ये भी। बोलो जय। सर हाँ, कैन यू शो द फर्स्ट पेज? 1 मिनट ये लो। थैंक यू। बोलो अर्णव। अर्णव हाँ सर, आई फॉरगॉट टू लोअर माय हैंड। ये कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया है? ये वाली पूरी लाइन कितना आ रही कैलकुलेट होके? हाँ जय बताओ, ये कितना आ रहा है? तो दैट इज द फाइनल आंसर ना? नहीं फाइनल नहीं है ये। तो नहीं बस, तो मैंने का एक्चुअली अलग मेथड से किया था। अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए होता है ओके। रुचि सर -3096.3 आ रहा है। ये थी माइनस 3096.3। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 3096.3। तो वो यहां सब्स्टिट्यूट होगा तो ये फाइनल अब कितना आ जाएगा? ये निकाला ना सर, ये बचा हुआ है। अंतर चेक कर लो, मैच हो रहा है कि नहीं। आयुष
सर मेरा आंसर पीछे मैच हो रहा है, मुझे थियोरिटिकल वैल्यू -3419.4 किलो जूल्स आया। रुको यार चेक करें अभी क्या है। 393.5 इनटू 6 प्लस प्लस 3 × 285.8 -201। नहीं यार ये तो आ रहा है 3017.4। अंतर क्या दिया पीछे सर? फाइनल आंसर -3267.4 दिया है, मुझे भी वही आया है। कैलकुलेशन में कहीं तो गलती हो रही है, सम कैलकुलेशन मिस्टेक वी आर मेकिंग इन हियर। बोल सर वो 3419.4 करेक्ट है सर। सर वो 6 × 393.5 2361 होता है, तो सर उससे कैलकुलेट करके आ रहा है सर। मुझे फिर से एक बार कैलकुलेट करने दो, मैंने ही कोई मिस्टेक की है क्या? सर 3 × 285.8 तो हो जाता है 857.4। क्या तो अच्छा हाँ +201। ओके 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 ये हाँ सर मैंने सब चेक कर दिया था, ये गलत है। दिस इज -3419.4 तो दिस विल बी -3419.4 +152 3267.4 This is the final answer. Okay? बोलो अमो। नहीं सर मुझे पहले वही बोलना था, वो 3419.4। चलो हो गया ये प्रॉब्लम, 15th आ गया है कि डिस्कस करना है? आ गया है 15th। बोलो। हाँ सर यही बोल रहा था, आ गया है वो लेंदी था बस। ओके एफबीओ के डाउट्स बोल लो अब। लास्ट क्लास में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो एफबीओ के डाउट्स रह गए अगर कुछ। सर आप वो सर ये आंसर्स एक्चुअली एकदम मैच नहीं हो रहे, मतलब ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मुझे कुछ 81 जैसा आ रहा है, पीछे आंसर कुछ 99 दिया हुआ है। नहीं यार 97 था, यानी गलती कर गया। ओके सर क्रॉस चेक कर लेता हूं। अब चेक करो मैं अप्रोच बता दूं क्या? सर प्लीज सर 15th वाला सर एक बार बता देंगे सर, मतलब हो तो रहा है सर पर एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा। मैं अप्रोच बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। ओके ओके फाइन सर। देखो सर आप एक बार वो CH इज इक्वल टू AR आपने वाला पेज देखा था, मैं ABCD लिखा था आपने ये वाला? हाँ सर एक सेकंड स्क्रीन पर करो। थैंक यू सर। ओके चलो तो क्या इथेन का मैं पहले कंबर्शन लिखता हूं। C2H6 + 7/2O2 गिव्स 2CO2 + 3H2O। ठीक है ये रिएक्शन लिखा, इसका डेल्टा एच कंबर्शन हमें दिया हुआ है -1559.8 विल बी 2 times हीट ऑफ फॉर्मेशन of CO2 plus 3 times heat of formation of water minus heat of formation of C2H6। CO2 और H2O की heat of formation दी है
इससे C2H6 की हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। ये बताओ कितनी आ रही है, तुम ही लोग बताओ। ये अगर कैलकुलेट किया है तो ये मुझे बताओ, अनम्यूट कर सकते हो खुद। माइनस 44.6 किलो जूल पर मोल आ रहा है मुझे। 84.6 माइनस 84.6 किलो जूल पर मोल। सॉरी सर, फिर 84 होगा। सॉरी सर, एक बार सब लोग कैलकुलेशन चेक करो, ये पूरा गेम कैलकुलेशन का ही है। मैं अभी 84.6 लिख रहा हूँ, जस्ट एक मिनट दो मुझे। यस सर, मेरे को मिल गई एरर। गिव मी वन मिनट। ओके तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको मिल गई C2H6 की। अब C2H6 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखता हूं। 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस गोज टू C2H6 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें मालूम है -84.6, और इसको मैं बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिख लेता हूं। तो 2 टाइम्स सब्लिमेशन ऑफ कार्बन 2 × 716.868 प्लस 3 टाइम्स HH की बॉन्ड एनर्जी 435.94 माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी को लेट मी कॉल एज ए, तो माइनस ए, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी को लेट मी कॉल एज बी, तो -6b। करेक्ट। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी a+6b = ये मुझे बता दो कैलकुलेट करके a+6b कितना है सर। 2825.78 2825.78 इसको चेक कर लो जरा, 2-3 लोग। हाँ सर, मैं कैलकुलेटर से ही चेक कर रहा हूँ। तो एक दो को और कर ले। हाँ सर, कैल्सियम में भी वही आ रहा है। आ रहा है ये? हाँ हाँ सर, बराबर कैल्सियम में भी वही आ रहा है। तो अब मैं अगली इंफॉर्मेशन लेता हूँ, ये वाली फोर्थ वाली। CH3CHO का कंबशन दिया है, क्या बनेगा? 2CO2 + 2H2O, यहाँ 3/2। इसका डेल्टा एच हमें दिया है -1192.3 विल बी 2 टाइम्स। सर एक्चुअली वो 5/2 O2 होना चाहिए। 4+2 = 4 ऐसा 5/2 O2 आता है, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा लिख रहे हैं। तो 2 × कहाँ गया वो, 393.5 + 2 × −285.8
माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी एच ओ। तो इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी एच ओ कितना आ गया? सो माइनस 166.3 आई गेस। माइनस 166.3। अज्यूमिंग ये सही है, अगर गलत है तो कोई बता देना, अगर किसी को कुछ और आ रहा है। टू ग्रेफाइट प्लस टू एच टू प्लस हाफ ओ टू गोस टू सी एच थ्री सी एच ओ। तो इसका डेल्टा एच है माइनस 166.3। अब बॉन्ड एनर्जी में लिखते हैं, 2 × 716.68 प्लस 2 × 435.94 प्लस हाफ इंटू ओ डबल बॉन्ड ओ 498.94 माइनस, इसमें चार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन को क्या बोला था बी, कार्बन कार्बन एक और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को लेट मी कॉल सी। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी, ए प्लस फोर बी प्लस सी इज इक्वल टू, कुछ नंबर मिल जाएगा यहाँ, ठीक है सर। अब तीसरी इक्वेशन में लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है हमें, तो वो रिएक्शन लिखूं, सी ग्रेफाइट प्लस ओ टू गोस टू सी ओ टू। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है माइनस 393.5। विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कार्बन ग्रेफाइट की बॉन्ड एनर्जी प्लस ओ डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी माइनस दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ से सी आ जाएगा, उसे यहाँ रखोगे तो ये ए बी की एक इक्वेशन, ये ए बी की एक इक्वेशन, इन दोनों से ए बी को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट ए बी सी सब। ओके करो जरा कैलकुलेट और बताओ मैच हो रहे हैं कि नहीं, सी कितना आ रहा है पहले वो बताओ, सी की कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सी बताओ कितना आ रहा है। सर मुझे 804.56 आ रहा है। 804.56 नीचे क्या दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पूछा है ना, कितना दिया है 804.26। ठीक है, तो वो थोड़ी फिर उनकी टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ना। हाँ सर एक टाइम वापस चेक कर लेता हूँ सर। हाँ सर 804.56 आ रहा है। यस सर यस सर यस सर कंफर्म। सर इधर ही मुझे एक छोटा सा डाउट था कि सर मैंने भी यही सब अप्रोच तो किया बट CO2 में तो रेजोनेंस भी हो रहा है तो उन्हें रेजोनेंस एनर्जी भी देनी चाहिए ना। यस सर यस सर ना छोड़ना डैश सर मुझे भी उड़ा ओके सर आपने क्या बोला सर आपकी आवाज कट गई जब आपने बोला रेजोनेंस एनर्जी तुम्हें दी है प्रॉब्लम में नहीं दी है सर नो सर दी है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा वरना डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ओके सर समझ गए। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है जो पीछे गलत आंसर्स आ रहे हैं? नहीं नहीं सही आंसर आ रहे हैं। यस सर एवरी आंसर आ रहे हैं। हां सर सब आंसर आ रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक सर। चलो तो अप्रोच क्लियर है? यस सर अप्रोच। सर अगर कोई क्वेश्चन स्क्रीन्स फॉर 15 सम येलो सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में CO2 का पूछा और उन्होंने रेजोनेंस एनर्जी नहीं दिया और ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन है डेटा इनसफिशिएंट तो हम उसको मार्क करेंगे कि उसको इग्नोर करके सॉल्व करेंगे? डेटा क्या सर आपकी आवाज कट गई। डेटा इनसफिशिएंट। अच्छा ओके सर गॉट इट। सर कैन यू सो नेक्स्ट वन। सर तो फिर इसमें अप्रोच ये थी कि फॉर्मेशन निकालना था फिर हमें फॉर्मेशन रिएक्शन लिख के उसे बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखना था बस इतना ही था राइट सर। सर मैंने तो डायरेक्टली हर रिएक्शन से इक्वेशन बनाई है अलग अलग फॉर्मेशन नहीं किया वो भी चलेगा ना। हाँ ओके सर नेक्स्ट सर 2 मिनट सर।
300 डन चलो एफबीओ में क्या डाउट्स थे सर 75 चलो 75 देखे तो क्या है उसमें ऐसा रिएक्शन दिया NCH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज करके एक ऐसा पॉलीमर बना रहा है जिसमें ये ग्रुप N टाइम्स रिपीट हो रहा है और इसका डेल्टा एच दिया है -100 किलो जूल पर मोल ऑफ इथाइलिन तो अगर पर मोल C2H4 दिया है तो हमें अपना रिएक्शन ऐसे बैलेंस करना चाहिए कि C2H4 का कोएफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो तो इस पूरी रिएक्शन में N से डिवाइड कर दें तो ये रिएक्शन ऐसे बन जाए तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है और किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को वी कैन राइट एज टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट तो -100 विल बी 4 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एनर्जी विच इज 600 माइनस प्रोडक्ट्स की लिखनी है अब ये पूरी चीज प्रोडक्ट है ये ग्रुप n टाइम्स रिपीटेड और उसकी 1nth लिखनी है मतलब हम एक ग्रुप की लिख ले तो चलेगा एक ग्रुप की बॉन्ड एनर्जी लिख लेते एक ग्रुप में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी आ गई 350 ओके बोलो हाँ सर आप 73 कर सकते हो 75 नोट करो सब लोग जल्दी तो इसमें एक डाउट है आपने एक ही ग्रुप का क्यों लिया मेरे को समझ नहीं आ रहा देखो ये पूरा बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें ये चीज n टाइम्स रिपीटेड है करेक्ट यस सर तो उस पूरे की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी एक ग्रुप की बॉन्ड एनर्जी इनटू n I got it, yes sir. हमें उसका 1nth लेना है केवल क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/n है ठीक है हाँ मतलब एक ग्रुप की बॉन्ड एनर्जी ले लें ओके यस सर और कोई डाउट किसी को 72 में तो नॉर्मैलिटी है ना 72 पे आ रहे हैं पहले 75 क्लियर हो गया है सबको यस सर 73 सर सर इसमें आपने 2BCE क्यों लिया अब CC डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है ये हाँ अब ये बॉन्ड तुम किस ग्रुप में काउंट करोगे हाँ सर उसमें कंफ्यूजन हो रहा था आधा इसमें करो आधा आगे वाले में और सिमिलरली ये बॉन्ड भी आधा इसमें काउंट होगा आधा अगले वाले में अच्छा वैसे ग्रुप में कितने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन काउंट होंगे अच्छा दो होंगे फिर सर मतलब दो आधे होंगे और एक पूरा होगा तो फिर दो ही हो जाएंगे ओके सर चलो 72 देख ले 72 में पूछा है किस केस में मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है 1 नॉर्मैलिटी दिया है नॉर्मल एन लिखा है मोलारिटी तुम सबको मालूम है क्या होता है मोल्स पर लीटर करेक्ट यस सर यस सर सिमिलरली होता है इक्विवेलेंस पर लीटर इक्विवेलेंट बताया था ना मोल्स ऑफ H प्लस या H OH माइनस यस सर यस सर मोलारिटी को ये समझ लो दैट इज मोलारिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस ओके तो सॉल्यूशंस में 1 मोलर H प्लस है और 1 मोलर OH माइनस है ओके
तो किस केस में टेम्परेचर राइज सबसे हाईएस्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा हीट बने? ऑप्शन सी। तो सबसे ज्यादा हीट कब बनेगी? जब सबसे ज्यादा एसिड बेस रिएक्ट हो, और सबसे ज्यादा एसिड बेस रिएक्ट हो रहा है ऑप्शन सी में। ओके सो वन नॉर्मल इज मतलब इक्विवेलेंस पर लीटर ना। वन नॉर्मल मींस वन मोलर एच प्लस और वन मोलर ओ एच माइनस। ओके सर समझा। सर आप रिपीट कर सकते हैं? देखो ये मोलारिटी एच प्लस और ओ एच माइनस की वन वन थी। यस सर। अब ऑप्शन ए में तुमने एसिड कितना लिया? 20 ml लास्ट। और बेस कितना लिया? 30 मिलीमोल। यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट एसिड हो गया। यस सर। तो रिएक्ट तो केवल 20 मिलीमोल ही होंगे ना। अच्छा ओके सर गॉट इट। ऑप्शन सी में 25 मिलीमोल होंगे सबसे ज्यादा। मतलब पूरा खत्म होना चाहिए एसिड और बेस एक साथ। यार एसिड या बेस में जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा सबसे ज्यादा जो यूज होगा ऐसी मतलब तो बेसिक स्टोइकोमेट्री है। लिमिटिंग रिएजेंट विल बी कंप्लीटली रिएक्टेड सर। भाई ओके 73 का शायद बुकलेट में आंसर गलत है। 73 कैसे करेंगे? देखो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन तो गिव H2O, इसका डेल्टा एच दिया है -298 विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO माइनस वेपराइजेशन ऑफ H2O माइनस टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। इससे निकालो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। बुकलेट में शायद जो आंसर दिया है वो तब मैच होता है जब तुम वेपराइजेशन ना लो, बट दैट इज रॉन्ग। ओके HH बॉन्ड एनर्जी 433 है। नहीं कर लो यार, कैलकुलेशन तो तुम ही लोग को करनी है, चेंज कर लेना उस समय। सो डेल्टा एच वेपराइजेशन हम सबट्रैक्ट क्यों करते हैं? प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी है ना, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी सबट्रैक्ट होती है ना। ओके ओके सर फाइन। सर आप एक बार प्लीज 76 क्वेश्चन कर सकते हो? उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। 76 क्या होगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया है उस प्रॉब्लम में -13700 करेक्ट? यस सर। प्लस आयनाइजेशन एनर्जी करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी दी है 366, लेकिन प्रॉब्लम में ये भी बताया है कि14% खुद से आयनाइज्ड है। सिर्फ 86% लेना है जो भी एनर्जी दी है खुद से आयनाइज्ड है, तो हमें तो केवल उसका 86% आयनाइज करना पड़ेगा। ओके सर हो जाएगा। हो गए कंप्लीट डाउट्स? हेलो सर 69th में एक बार सॉल्व कर दीजिए ना। 69 भाई न्यूट्रल ऐसा रिएक्शन दिया H2SO4 प्लस 2NaOH गोइंग टू Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस Y किलो कैलोरी, मतलब Y किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन कितना है? -Y किलो कैलोरी, और y किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है 2 मोल H प्लस के रिएक्ट होने से। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो हम डिफाइन करते हैं पर मोल H प्लस, तो व्हाट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? -Y/2 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ओके
यस सर थैंक यू सर. क्या अब हम थर्मोकेमिस्ट्री वाली डीपीपीस कर सकते हैं सारी? थर्मोकेमिस्ट्री की आप सब डीपीपी कंप्लीट कर सकते हो. ओके sir, still have to teach delta H fusion, right? Yeah. Enthalpy of fusion. Fusion kya hota hai? Solid to liquid, liquid to solid, that is fusion. Okay, sir. Okay. Sir, second law ke alawa booklet khatam kar sakte hai? Haan. Aur sir, spontaneous process bhi ab tak nahi padhaya na aapne. Fire. Kya sir, aapki awaaz kat gayi. That is second law. Okay sir, fine. तो मतलब बस second law का part बचा है ना, बाकी सब हो गया. हाँ. Okay sir. चलो we'll stop here. Next class we will start second law. अच्छा one more important thing. हम लोग की next class Thursday को है ना? Yes sir. यार Thursday उस time ना थोड़ा I'm busy. तो can we shift that class to Sunday? Yes. Next class we'll start with second law. Bye everybody. Bye sir. Thank you sir.